आज की हमारी कहानी है ननद भाभी की लड़ाई। अमित और कविता भाई बहन थे। कविता बड़ी थी, अमित छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। कविता एक ऑफिस में काम करती थी, उसका भाई अमित कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन अमित ने कविता से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपये चाहिए। कविता ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। कविता ऑफिस से एडवांस मांगकर अमित को पैसे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम में एक घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद अमित की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन अमित ने घर आकर कविता को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई, अब तुम काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वह जिद करने लगा। हार कर कविता मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अमित ने कहा, दीदी मैं कुछ रुपये जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर कविता ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूँगी, जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगी। कविता एक अच्छी सी लड़की देखकर अमित की शादी कर दी। अलका को भाभी के रूप में पाकर कविता बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे अलका ने पूरी घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन अलका की माँ अलका से मिलने आई। उन्हें कविता शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौके पाकर उसने अलका से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती है, या तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है, तू बहुत सीधी है। यह सुनकर अलका ने कहा, माँ तुम बेकार की बात कर रही हो, अमित इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन अलका के माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, यह तेरे को कभी चैन से नहीं रहने देगी। अगले दिन अमित ने कविता से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहें तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन कविता ने कहा, नहीं भाई मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। यह सुनकर अमित और अलका को आश्चर्य हुआ। अलका के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद अलका का व्यवहार कविता के लिए बदल गया। वह अमित को सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अमित के जाने के बाद कविता से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन कविता कहीं गई थी अकेले में। अलका ने अमित से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे। यह सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो, वे जो चाहेंगी वही होगा। तुम्हें पता है उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। अलका को समझ आ गया कि अमित उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी ननद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन अलका ने कविता से कहा, दीदी काफ़ी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर कविता बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुँच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद अलका कविता को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर कविता बेहोश हो जाती है। अलका उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में कविता मर जाएगी। कुछ देर बाद कविता को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी भूल गई। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब अमित घर वापस आकर अलका से कविता के बारे में पूछता है तो अलका कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। तब अमित कहता है, दीदी मुझे बताए बगैर अचानक कैसे चली गई।
वह परेशान हो जाता है, लेकिन अलका उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर कविता को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी कविता को बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन कविता को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफ़ी दिन बीत जाने पर अमित कविता को ढूंढने निकल गया। वह कविता को ढूंढता रहा, लेकिन कविता नहीं मिली। एक दिन वह थक कर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी वहाँ कविता आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। कविता की आवाज़ सुनकर अमित चौंक गया। अमित कविता को देखकर वह रोने लगा। तब कविता ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने अमित से पूछा तो अमित कविता के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, यह लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश में आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ। भगवान ने चाहा तो वहाँ जाकर इसकी अदास वापस आ जाएगी। अमित ने कविता को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन अमित जिद कर रहा था। तब कविता ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं है, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर अमित रोने लगता है और कविता से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं जाएंगे तो मैं भी यहीं रहूँगा। उसकी बातें सुनकर कविता घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने अमित से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। अमित मान गया और कविता को लेकर घर आ गया। कविता को देखकर अलका सहम गई, वह रोने लगी और उसने अमित और कविता से माफ़ी मांगी। कविता के कहने पर अमित ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद कविता ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।